भारत बंद से एक दिन पहले हरियाणा के पानीपत में किसानों की महापंचायत हुई। नई अनाज मंडी में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, ट्रॉलियों में सवार होकर बड़ी संख्या में महिलाएं भी महापंचायत में पहुंची। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कार्यालय से गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के कार्यों में शामिल किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब के ताजा राजनीतिक हालात का जिक्र किया और कहा कि ऐसी ही उथल पुथल जल्द ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिल सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से हटते ही भाजपा का कैप्टन प्रेम जाग गया है। पार्टी की ओर से कैप्टन की शान में कसीदे पड़ी जा रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच छिड़ी जंग अब खत्म हो गई है। हरियाणा के सिरसा में परिवार पर हमला कर बुजुर्ग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामला बड़ा गुड़ा के गाँव लकड़ा वाली का है, जहाँ 50 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। videodeskamarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।